अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से और ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बाइनेंस के अकाउंट से ट्रस्ट वॉलेट पे कोई भी कॉइन कैसे भेजेंगे। जैसे कि मेरे इस अकाउंट में अभी कुछ BNB पड़े हुए हैं, वो मुझे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे सेंड करने हैं। तो इसके लिए हमें एक एड्रेस चाहिए होगा सेंड करने के लिए, जो हमें ट्रस्ट वॉलेट से मिलेगा। ठीक है, अपनी ट्रस्ट वॉलेट की ऐप खोलते हैं। ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है, अभी बिल्कुल नया मैंने बनाया है। तो अभी मुझे इस पर BNB सेंड करने हैं। तो हम BNB पे आएंगे। या कोई भी ऐसा कॉइन आपको सेंड करना जो यहाँ पे नहीं है, तो आप ऊपर राइट साइड पे जो दो लाइन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करके उसका एड्रेस गेट कर सकते हैं। तो मुझे अभी BNB सिर्फ चाहिए, मैं वही सेंड करूँगा। तो अपने BNB पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रिसीव लिखा हुआ है, रिसीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा। ये रिसीव पे आके ये जो एड्रेस आया इस पे आपको सेंड करना है। यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम अपना खोलेंगे बाइनेंस का अकाउंट जो यहाँ हमारे पास खुला हुआ है। वॉलेट में आएंगे, कोई भी कॉइन जो आपको सेंड करना है उस पर आएंगे, क्योंकि हमने कॉपी जो एड्रेस कॉपी किया वो BNB का किया है। तो हम BNB पे जाके इसमें विदड्रॉ करेंगे। ठीक, यानी हम यहाँ से विदड्रॉ करके वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। विदड्रॉ यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट करना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। पेस्ट, जैसे पेस्ट करेंगे वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली उठा लेगा उसको, आपको कुछ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ना आया तो आप BEP2 करके सिलेक्ट कर लें, मगर ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। मुझे कितने भेजने, मैक्स जितने भी है मैं सब भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको विदड्रॉ पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा मेमो फिल नहीं हो तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर किसी किसी एक्सचेंज में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आपको डालना होगा। मगर अभी सिर्फ हमें ट्रस्ट वॉलेट पर सेंड करना है तो उसके लिए ये सही है। ये आपसे कन्फर्म करेगा, इसको कन्फर्म करें। जैसे आप कंफर्म पे आएंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको कोड सेंड करना है। ठीक है, ये आपको सेंड कोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड आएगा, नंबर पे भी और ईमेल पे भी, वो आपको वेरीफाई करना है। ये मुझे एक कोड आ गया, मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और नंबर चेक करता हूँ। ये मुझे कोड आ गया है, वो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। 509651। ठीक है, ये ईमेल का था। अब मुझे देखना है कि नंबर पे कौन सा आया है। 277894, 288894। ठीक है, ये कोड आपको दोनों डालने हैं, ईमेल पे भी आएगा नंबर भी आएगा। इसको इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट में ये बोल रहा है कि आपने कोड सही नहीं डाला, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते। 277 है। ठीक है, अंदर गलती होगी। 277894। ठीक है, जैसे ही करेंगे उसको सबमिट करेंगे। ठीक, ये मेरी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब भी थोड़ी देर के बाद यहाँ से, जब अभी प्रोसेसिंग में थोड़ी देर के बाद हमें वहाँ पे ट्रस्ट फाइल में आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तकरीबन 1-2 मिनट के बाद मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट खोला है तो इस पर BNB रिसीव हो गए हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, इस BNB में जाके ये रिसीव हुए हैं पैसे, ये डॉलर आ गए अपने। थोड़ी सी फीस लगेगी, ये हमारे रिसीव हो गए। इसी तरह आप कोई भी कॉइन्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, सेंड और रिसीव इसी तरह सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।